नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। जब भी हम किसी पेशेंट को सर्जरी के बारे में बताते हैं, उनको एंग्जाइटी या उनको थोड़ा डर लगता है, एंड वो वाजिब भी है। कोई भी सर्जरी से पहले किसी को भी डर लगेगा, बट अगर आपको सर्जरी बताई गई है, मैं कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहता हूँ जिससे आप बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं जिस दिन आप सर्जरी ले जाएं। तो जब भी डॉक्टर आपको सर्जरी के बारे में बताता है, फर्स्ट यू शुड डिस्कस कि उन्हें क्या सर्जरी बताई है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कोई अल्टरनेटिव सर्जरी है जो उसके एवज में करी जा सकती है जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा, सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप एनेस्थेटिस्ट से मिले, जिसको हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं। इस चेकअप में एनेस्थेटिस्ट ना तो कोई आपको सुई लगाते हैं, ना कोई आपको डराते हैं, वो बस आपसे सवाल जवाब करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं ये देखने के लिए कि क्या आप एनेस्थीजिया लेने के लिए फिट हैं या नहीं है। तो ये चेकअप आपको सर्जरी से पहले करवा लेना चाहिए। तीसरी चीज है कि सर्जरी जब हम जनरल एनेस्थीजिया में कर रहे हैं, मतलब आपको पूरा बेहोश कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप खाना कुछ घंटे पहले से नहीं खा सकते, तो वो भी एनेस्थेटिस्ट से डिस्कस करें। कई सर्जरीज में नॉर्मली हम कहते हैं 8 घंटे पहले, 6 घंटे पहले आप खाना ना खाएं। पानी अगर पीना है तो 2 से 3 घंटे पहले एक घूंट पानी पिया जा सकता है। ये सब भी आपको एनेस्थेटिस्ट बताएंगे, जैसे आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक भूखा ना रहना पड़े और या आप खाना ना खा लें जिससे आपकी सर्जरी डिले हो जाए। फिर कई लोगों को इतनी एंजाइटी होती है कि उनको रात में नींद नहीं आती सर्जरी से पहले, तो ये भी आप डिस्कस करें। कई बार एनेस्थेटिस्ट आपको एक दवाई देंगे जिससे आप थोड़े रिलैक्स रहेंगे सर्जरी की एक रात पहले। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनको सर्जरी से पहले बंद करना होता है, तो ये भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें या एनेस्थेटिस्ट से डिस्कस करें, एंड उन दवाइयों को सही समय पे स्टॉप कर दें जैसे आपकी वो सर्जरी में बाधा ना डाले। नेक्स्ट चीज, प्लीज ये याद रखिए कि आजकल सर्जरी की लिस्ट बहुत हैवी जाती है, तो जिस टाइम पे आपको सुबह आने को बोला है या दोपहर को आने को बोला है, प्लीज उस टाइम पे आए, नहीं तो अगर आपका सर्जरी का स्लॉट मिस हो गया तो कई घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो सर्जरी से पहले आपको याद रखने चाहिए, एंड आप इन सब टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका हॉस्पिटल प्रोसेस स्मूथ रहेगा।